अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों ने टाइटल देखे रहेंगे, आज भाई भाभी और बच्चे जा रहे हैं मुंबई, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चों का स्कूल स्टार्ट होने वाला है और बच्चों के बुक्स वगैरह सब कुछ कवर करना है। इसके लिए ना वो लोग अभी आज निकल रहे हैं मुंबई, ट्रेन से जाएंगे वो लोग, और मम्मी डैडी और हम लोग पीछे से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे से इनका भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो इसका भी स्कूल ज़्यादा मिस ना हो करके फिर हम लोग ने थोड़ा सा ईद के 2-3 दिन पहले हम लोग ने टिकट बुक किया। तो बिग बास्केट से ना मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, घर में हो गए थे ख़त्म और बच्चों को मुझे लेके जाने के लिए ट्रेन में देने थे, तो दूध के साथ साथ टोस्ट और फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑर्डर किए थे, वही मैंने घर के अंदर लिया। तो ट्रेन में लेके जाने के लिए ना खाना बन रहा था, तो एक साइड है ना यहाँ पर भाप वाला चिकन बन रहा है, चिकन फ्राई, और एक साइड बन रहा है चिकन पुलाव। तो कल से उन लोग की पैकिंग चल रही थी, अभी भी पैकिंग चल रही है, छोटे बच्चे रहेंगे तो एंड तक पैकिंग ख़त्म होती नहीं है। और ये जो वीडियो है ना, जैन के बर्थडे के नेक्स्ट डे का वीडियो है, बर्थडे के हिसाब से उन लोग ने टिकट बुक किए थे कि उसका बर्थडे करके ही जाएंगे। तो कुकिंग के लिए आप सबको पता है दीदी को रखा हुआ था, और रात का उनको फ़ोन आया मुझे 10 बजे के बाद कि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है करके, और पैर फ्रैक्चर हुआ है उन्होंने बोला। तो फिर मैं तो काम पर आऊँगी नहीं, और पता नहीं अभी कितने दिन के बाद आऊँगी। तो फिर रोटी वगैरह सब मुझे बनाना था, तो मैं यहाँ पे अभी आटा गूंथ के ले रही हूँ, और पूरा महीना तो मैंने रोटियाँ वगैरह बनाई नहीं, तो रोटी की मेरी आदत भी टूट गई थी वैसे। तो एक्चुअली दीदी गिर गए ना, मुझे बुरा भी बहुत लगा, और मुझे पूरा महीना उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प हुई ना, मतलब वो नहीं होते तो शायद मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा होता, क्योंकि रोटी वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनाती थी। तो मुझे भी कुकिंग के लिए कितना आसानी हुई, पूरा प्रिपरेशन वगैरह वो करके देते थे। तो खैर अभी है ना इनका चिकन वगैरह पूरा बन गया है, पुलाव दम पे है, अभी मैं फटाफट रोटियाँ बनाने ले रही हूँ। और वैसे आज बच्चे जा रहे थे ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा महीना बच्चों के साथ इतना अच्छा गया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी बोल रहे थे जो इधर से जाने का दिल नहीं कर रहा है, हम सब साथ में जाएंगे। एक्चुअली हम लोग का प्लान भी वही था, सलमान भी बोल रहे थे हम लोग भी इन लोग के साथ ही जाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जैन को वैसे ही स्कूल की आदत है नहीं, नर्सरी में भी हम लोग ने उसको लेट ही डाले थे, क्योंकि वो बात नहीं करता था, तो बात करने लगा तो हमने उसको एकदम एंड एंड में डाले थे। फिर समर कैंप वो जाने लगा तो उसको फिर से उसको फीवर वगैरह स्टार्ट हुआ, तो समर कैंप पे वो पूरा गया नहीं, तो उसको ऑलरेडी स्कूल का आदत हुआ नहीं था ना, इसके लिए मैंने सलमान को बोली नहीं उसका स्कूल ज़्यादा मिस नहीं करेंगे, एटलीस्ट उसको थोड़ा जाने दो, उसको थोड़ी सी स्कूल की आदत हो जाएगी। लेकिन उसको स्कूल ये लोग जाने के बाद भी वो कुछ दिन स्कूल गया और फिर से बीमार हो गया। कैसा था बिरयानी? अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो सुमंगला को बिरयानी दी थी मैंने, आप लोग ने वीडियो में देखे रहेंगे बर्थडे वाले, तो वो टोप देने आई थी सुबह सुबह, वो काम पे आई वैसे ही पहले टोप देने आई थी। बन गया तो पुलाव बन के रेडी है, और मैं सबको नाश्ते के लिए एग भुर्जी बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो भुर्जी बन के रेडी हो गई, ऊपर से डाल रही हूँ हरा धनिया। ये लोग अभी 12:30 तक निकल जाएंगे, मतलब प्लान था 12:30 से 1 के बीच में कैब बुक करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। उनका ट्रेन था 4 बजे का, लेकिन हम लोग ने सबने सोचे थे कि जल्दी ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आजू बाजू में मेरे फ्रेंड्स हैं ना एक दो, उनके पेरेंट्स जाते टाइम उन लोग का ट्रेन मिस हो गया था ट्रैफिक की वजह से, इसके लिए इस बार डिसाइड किए थे कि पहले ही निकलो, थोड़ा उधर जाके बैठना पड़ा चलेगा। और यहाँ पे ना पैक कर रहे खाना, तो मैंने सोचा चलो शूट करती हूँ। हम लोग ने नाश्ता करके हो गया सबका, मम्मी बैठे थे नाश्ता करने के लिए, और इन लोग का ट्रेन जो है मतलब 4 बजे का है, तो खाना तो यहाँ से खा के नहीं जा सकते 12 बजे, तो फिर दोपहर में ये लोग पुलाव खाएंगे, और रात को चिकन फ्राई के साथ ब्रेड वगैरह लेने का प्लानिंग था, तो फिर वही हिसाब से खाना बनाए थे और पैक किया। और बच्चे साथ में रहेंगे तो फिर ज़्यादा करके घर का खाना लेके जाएंगे तो अच्छा ही है। तो अभी निकलने के लिए बस थोड़ा ही टाइम बचा है ना, तो बच्चों के लिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ एयर फ्रायर में फ्राई करके ले रही हूँ, और एयर फ्रायर में ना इतने अच्छे फ्राई होते विदाउट ऑयल, बस 7-8 मिनट में बन जाते, तो 2 स्लॉट में करी, क्योंकि दोनों मतलब 2 डब्बे में भर के दूंगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंच फ्राइज़। तो आज मुझे खाना ज़्यादा नहीं बनाना था, बस चिकन सूप बनाना था थोड़ा सा। और अब ये लोग निकल रहे हैं, तो इन लोग को हम सब छोड़ने जा रहे हैं, मैं, मम्मी डैडी, जैन और सुमंगला, और सलमाना जो ऑफिस गए थे, तो अब इन लोग को हम लोग सब छोड़ने जा रहे हैं नीचे।
सुमंगला आंटी को बाय बोल क्या, चलो इधर आ बाय, सुमंगला आंटी को बाय बोल क्या। सामान इधर ही लाके रखो, फिर गाड़ी इधर आएगी। नहीं नहीं सामान गाड़ी इधर आएगी, गाड़ी इधर आएगी। तो सब लोग बोल रहे थे मुझे कि कमेंट कर रहे थे कि हुसैन बहुत ज़्यादा रोता है। तो हुसैन का थोड़ा सा नेचर डिफरेंट है, वो एक जगह सेट हो गया तो उसको थोड़ा सा बाहर दूसरी जगह जाने के टाइम पे उसको थोड़ा सा रोना आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है उसका इसके लिए। तो फाइनली ये लोग गए और इतनी परेशानी हो गई ना, कैब ही बुक नहीं हो रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है उन लोग को टाइम पे कैब मिली और वो लोग टाइम पे स्टेशन पहुंच भी गए। तो ये मेरी ना मलाई बहुत ज़्यादा जमी थी, मतलब ज़्यादा नहीं जमी थी, दो तीन डब्बे जमे थे एक्चुअली ना। मैं ऐसे प्लास्टिक के डब्बे में नहीं जमाती हूँ, स्टील के बड़े डब्बे में ही जमाती हूँ, लेकिन इस बार फ्रीज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं थी क्योंकि हम लोग गोश्त चिकन पूरे हफ्ते का ला रहे थे ना, तो पूरा फ्रिज फुल हो रहा था, मतलब फ्रीज़र ही पूरा फुल था। तो मैंने ना ये तीन छोटे डब्बे हुए तो मैंने सोचा अभी इसकी बना के लेती हूँ, मैंने बाहर भी निकाल के रखी थी। तो घी कैसे बनाते हैं मैंने इसके पहले डिटेल वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और एक लॉन्ग वीडियो में भी मैंने डाला है कि मैं घी कैसे बनाती हूँ। तो माशाल्लाह फटाफट बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मैं तो बहुत बड़े डब्बे में जमा के बनाती हूँ लेकिन ये तो ज़्यादा था भी नहीं, तो इसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, फटाफट बन गया। और घर इतना खाली हो गया था, पूरा सन्नाटा हो गया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जैन बच्चे लोग के साथ था तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, जब भी अकेला रहता तो तंग करता है लेकिन कैसा शोर नहीं करता बिल्कुल। बच्चे लोग के साथ रहेंगे तो उन लोग की मस्ती वगैरह चालू रहती है। तो अभी हम लोग बैठ रहे खाना खाने के लिए, मैंने बोला था ना बिरयानी बची थी तो मैंने कचुंबर बनाई थी, और उन लोग जो लेके जाने के लिए पुलाव वगैरह बनाए थे, थोड़ी फ्राई बनाए थे वो भी रखे थे, और जो चिकन का सूप था, थोड़ा सा मसाला था डैडी के लिए जो बनाई थी मैंने एक दिन, तो वही सब हम लोग ने खाए। और अभी हुआ है मगरिब का टाइम, तो चाय बना के हो गई थी और घी भी बन के रेडी हुआ था, तो मैंने सोचा चलो शूट करती हूँ। और बर्तन वगैरह मुझे मतलब स्ट्रॉलीज में सेट करने के थे और डैडी को भूख लगी थी, मुझे बोल रहे थे ना मुझे रोटियां बची है तो फिर उसको घी लगा के दे, चाय रोटी खाऊंगा। गर्मी पूरा सन्नाटा हो गया। तो अभी हो गई है रात, सब लोग खा रहे खाना, और ये था आज का वीडियो, बहुत कुछ था नहीं, बस बच्चे गए थे तो मैंने सोचा एक याद रहेगी, उनका शूट किया मैंने और उन लोग को भी फ़ोन किया था, वो लोग भी खाना बिना खा के जल्दी सो गए थे। तो अभी फ्रूट कट कर रही हूँ, और हम लोग ने ना बिग बास्केट से पपाया ऑर्डर किए थे, इतने ज़्यादा मीठे निकले ना, फिर हम लोग कंटिन्यू मंगा ही रहे थे। और ये बादामी आम है, ये भी बहुत मीठे निकल रहे थे, तो सलमान लेकर ही आया करते। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।